इंफ्रास्ट्रक्चर सॉल्यूशंस में, तो जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में देखा हम कैसे डिफरेंट क्वांटिटी को मेयर कर सकते हैं, तो इस लेक्चर में हम देखेंगे हम कैसे मेयर करके उनको एनोटेट भी कर सकते हैं, यानी कि उनकी हम मार्किंग भी कर सकते हैं अपनी ड्राइंग में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो मैं सबसे पहले कुछ बेसिक फिगर्स बना लेता हूँ, जैसे कि यहाँ पे एक लाइन ड्रा कर लेता हूँ एंड यहाँ पे एक सर्कल यहाँ पे ड्रा कर लेता हूँ और हम एक यहाँ पे आर्क ड्रा कर लेते हैं। तो चलिए अब मेयरमेंट की तरफ। तो मेयरमेंट के लिए हम यहाँ पे हमने यूटिलिटीज बटन यहाँ पे देखा था, सेकंड हम यहाँ पे एनोटेट भी कर सकते हैं, यानी कि मार्किंग भी कर सकते हैं साथ साथ डायमेंशनिंग करके भी। तो उसके लिए या तो हम यहाँ पे एनोटेशन में जाके यहाँ पे क्लिक करके छोटे से बटन पे हम डिफरेंट मेयरमेंट ले सकते हैं, और या तो हम डायरेक्टली यहाँ पे एनोटेट में जाके भी मल्टीपल में हमारे पास यहाँ पे ऑप्शंस मिल जाते हैं। अगर आपको वर्क करना, जैसे कि टेक्स्ट के साइज को यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, स्टाइल्स को भी यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, या आप अपना भी स्टाइल यहाँ पे बना सकते हैं डायमेंशन के लिए। तो ये डायमेंशनिंग का स्टाइल कैसे करना है यहाँ फ्यूचर में देखेंगे। तो फिलहाल हम यहाँ पे मेयरमेंट के लिए चलते हैं। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले आपको यहाँ पे लीनियर कमांड यहाँ पे मैं चूज कर लेता हूँ, यानी कि आपको या तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेयर करना हो या तो सिर्फ वर्टिकल, यानी कि इंक्लाइंड मेयरमेंट के लिए आपको अगर नहीं जाना है तो आप यहाँ पे सिंपल लीनियर कमांड का यूज़ करेंगे। मैं यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन भी यहाँ पे मैं रेडी कर लेता हूँ। और मैं यहाँ पे एक इंक्लाइंड लाइन भी ले लेता हूँ। तो चलिए अब मेयर करते हैं। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले लीनियर यहाँ पे कमांड चूज़ कर लिया, तो मैं यहाँ पे दो पॉइंट की यहाँ पे मार्किंग दे दूंगा और यहाँ पे मेयरमेंट के लिए मैं यहाँ पे थर्ड क्लिक कर लूँगा डायरेक्शन के लिए। सेकंड सेम चीज़ वर्टिकल मेयरमेंट, बट अब मैं अगर दोबारा से मेयरमेंट लूँगा इसी कमांड से इंक्लाइन के लिए, तो आप देखेंगे यहाँ पे मेरे पास इंक्लाइन मेयरमेंट यहाँ पे नहीं आ रही है, मेरे को हॉरिजॉन्टल ही मेयरमेंट दिखा रहा है। तो ये एक यहाँ पे डिफरेंस है लीनियर और अलाइंड के बीच में। तो अलाइंड अगर मैं यहाँ पे चूज करता हूँ तो अब आप देखेंगे ये मेरे पास यहाँ पे जो मेरे पास इंक्लाइंड लेंथ है वो यहाँ पे मेरे को ये शो कर रहा है। तो ये एक बेसिक, कभी कभी हम गलती कर लेते हैं मेयरमेंट के लिए, तो आप ये नहीं कीजिएगा, आप यहाँ पे दोनों कमांड का यूज सही से करिए। देन नेक्स्ट अब हम मिलते हैं एंगुलर के लिए। तो एंगुलर में हम क्या करते हैं, एंगल की मेयरमेंट लेते हैं। तो एंगल की मेयरमेंट के लिए मैं यहाँ पे एंगुलर कमांड चूज करूंगा। आफ्टर दैट मैं यहाँ पे कोई भी दो लाइंस यहाँ पे चूज कर लूंगा और यहाँ पे मैं एंगल की मार्किंग कर सकता हूँ। तो नेक्स्ट के लिए अब चलते हैं, सेम आर्क लेंथ कमांड चूज करके यहाँ पे मैं आर्क की लेंथ को यहाँ पे सेलेक्ट कर लूंगा एंड देन यहाँ पे मैं मार्किंग कर सकता हूँ उसकी आर्क की लेंथ की। सेम नेक्स्ट के लिए अब हम वही रेडियस, तो आप यहाँ तो आर्क का रेडियस भी आप यहाँ पे शो कर सकते हैं, यहाँ तो आप सर्कल का रेडियस की अगर आपको मार्किंग करनी है तो आप वो भी यहाँ पे चूज कर सकते हैं ऐसे। और फर्दर डायमीटर की मार्किंग करनी है वो भी सेम तरीका। नेक्स्ट ऑर्डिनेट यानी कि अगर आपको मार्किंग करनी है पर्टिकुलर पॉइंट्स की अपनी ड्राइंग में, जैसे कि मेरे पास एक पॉइंट है, मैं यहाँ पे इसका ऑर्डिनेट निकालना चाहता हूँ एक्स और वाई में, तो मैं यहाँ पे इस पॉइंट को चूज करूँगा और अगर मैं इसको हॉरिजॉन्टल लेता हूँ तो ये मेरे को हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेट बताएगा। सेम इसी पॉइंट को सेलेक्ट करके मैं यहाँ पे वर्टिकल में ले जाता हूँ तो ये मेरे को वर्टिकल ऑर्डिनेट बता देगा। सेम केस में यहाँ पे एक ट्राई और लेता हूँ यहाँ पे, और मैं इस पॉइंट की अगर मार्किंग करनी है, ये देखिए आप हॉरिजॉन्टल, सेम नेक्स्ट यहाँ पे वर्टिकल, तो मैं यहाँ पे ऑर्डिनेट की भी मार्किंग कर सकता हूँ। तो ये थे मेरे पास डिफरेंट कमांड्स। और लास्ट में एक मेरे पास है जॉग कमांड, अगर आप जैसे कि ये मेरे पास सर्कल है या फिर आप एक यहाँ पे आर्क भी ले सकते हैं मेयरमेंट के लिए, तो मैं यहाँ पे आर्क ले रहा हूँ। मैं यहाँ पे क्लिक करके अगर आपको यहाँ पे
जॉग्ड यहाँ पे अगर आपको डायमेंशनिंग करनी है रेडियस की, तो मैं यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे जॉग की डायमेंशनिंग भी ले सकता हूँ, और आप थर्ड क्लिक करके आप इसकी साइज को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। सेम मैं यहाँ पे भी सर्कल ले लिया, देन मैं यहाँ पे एक सेंट्रल गेंद चूज कर लूँगा जॉग के लिए, और पॉइंट देखिए यहाँ पे मैं पोजीशन भी इसके सेट कर सकता हूँ। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन से किस स्टाइल आप को चूज़ करना चाहते हैं डायमेंशनिंग के लिए। ये था मेरे लिए पर्टिकुलर यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कमांड्स को सिलेक्ट करके डायमेंशनिंग करना, बट मैं यहाँ पे डायरेक्ट डायमेंशनिंग भी कर सकता हूँ एक सिंपल कमांड से। तो वो थी मेरे, वो कमांड है मेरे पास DIM कमांड। DIM कमांड चूज करके मैं यहाँ पे डायरेक्ट डायमेंशनिंग कर सकता हूँ मल्टीपल मेरे पास क्वांटिटीज की। या फिर अगर आप कमांड का यूज़ नहीं करना चाहते तो आप यहाँ से डायरेक्ट डायमेंशन भी चूज़ कर लीजिए। जैसे मैं यहाँ पे डायरेक्ट डायमेंशन ले रहा हूँ, मैं अभी के लिए यहाँ पे इसको डिलीट कर देता हूँ डायमेंशंस। चलिए अब नेक्स्ट, तो मैं यहाँ पे डायमेंशन कमांड चूज़ कर रहा हूँ। या तो आप डायमेंशन डायरेक्ट चूज़ करें या तो DIM। तो मैं जैसे ही DIM यहाँ पे कमांड चूज़ करूँगा तो मेरे को सेलेक्ट ऑब्जेक्ट्स, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लाइन की लेंथ पे क्लिक करके भी मैं यहाँ से लेंथ को मेयर कर सकता हूँ। या फिर आप यहाँ पे टू डिफरेंट पॉइंट भी सिलेक्ट करके आप यहाँ पे मेयरमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे सेम मैं यहाँ पे एक पॉइंट दे रहा हूँ, और सेकेंड यहाँ पे सेकेंड पॉइंट, और अगर आपको यहाँ पे इंक्लाइंट चाहिए तो आप इंक्लाइंट भी मार्क कर सकते हैं, या फिर अगर आपको यहाँ पे हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल चाहिए तो वो भी आप यहाँ पे मार्क कर सकते हैं। इस तरह से वर्टिकल आ गया, देन आप इसके हॉरिजॉन्टल भी मार्किंग कर सकते हैं। और सेम नेक्स्ट यहाँ पे अगर मैं वर्टिकल लाइन यहाँ पे मेयर करूँगा कुछ इस तरह से, मतलब कि आपको बार बार शिफ्ट करने की नीड नहीं पड़ेगी जब आप DIM कमांड चूज़ करते हैं, आपका वर्क फास्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जैसे कि मैं यहाँ पे मेरे को सर्कल यहाँ पे मेयर करना है, मैं यहाँ पे सर्कल का जैसे कि मेरे को यहाँ पे डायमीटर दिखा रहा है 5, तो मैं यहाँ से इसको सेलेक्ट करके यहाँ से रेडियस भी यहाँ पे चूज़ कर सकता हूँ कमांड लाइन से। तो अब ये मेरे को इसका रेडियस दिखाएगा। सेम अगर सेम मेरे को अगेन यहाँ पे मेरे को डायमीटर चाहिए तो मैं यहाँ पे डाया भी चूज कर सकता हूँ डायमेंशन यहाँ से। ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करके डायमीटर, और हम यहाँ पे डायमीटर की मार्किंग भी कर सकते हैं। और नेक्स्ट सेम अगर मैं यहाँ पे फिर से DIM कमांड चूज लेता हूँ, और मैं यहाँ पे सर्कल ले लेता हूँ जैसे यहाँ पे दोबारा, और अगर आप यहाँ पे जॉग्ड यहाँ पे देना चाहते हैं, या तो आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे इसको होल्ड करके आप जो मेरे पास ब्लू हाईलाइटेड जो टेक्स्ट है मेरे पास कमांड लाइन का, जैसे D डायमीटर के लिए, J जॉग्ड के लिए, A एंगुलर के लिए, तो आप डायरेक्ट वहाँ से J प्रेस करके एंटर कर सकते हो, तो आपका जो जॉग्ड कमांड है वो मेरा एक्टिव हो जाएगा यहाँ पे। और यहाँ से मैं यहाँ पे इसको जॉग्ड डायमेंशनिंग कर सकता हूँ। तो नेक्स्ट अब मैं आपको एंगल मेयरमेंट यहाँ पे दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने इसको चूज़ किया DIM कमांड, देन मैं यहाँ से अब देखें यहाँ पे मेरे पास कमांड लाइन A एंगुलर है, तो A मैं यहाँ पे करूँगा A एंगुलर, देन मैं यहाँ पे लाइन सेलेक्ट करके मार्किंग कर सकता हूँ। तो सेम मैं यहाँ पे सर्कल का भी यहाँ पे मल्टीपल कमांड दे सकते, जैसे आर रेडियस के लिए था मेरे पास, अगर आप यहाँ पे इसका एंगल मेयरमेंट कर सकते हैं करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। जैसे हम DIM कमांड एंड देन A एंगल, और आप यहाँ पे मैं सर्कल यहाँ पे इसको मेयर कर लेता हूँ आर को, तो यहाँ पे मेरे पास आर्क का एंगल एक्सटीरियर 234 डिग्री यहाँ पे मेरे पास मेयर हो रहा है। तो आई थिंक आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा कैसे हम डिफरेंट डिफरेंट अपने जो मेरे पास डायमेंशंस है आप उनको एनोटेट कर सकते हैं आफ्टर द मेयरमेंट। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।